हेलो फ्रेंड्स, मेरा रेकिया फ्रीडी है। मेरे चैनल में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारी कैंडिडेट मुझे ये कमेंट कर रहे हैं कि भैया असम राइफल्स का बहुत सारा ऐसा वीडियो है जो हम लोगों को यूट्यूब में मिल रहा है, क्या असम राइफल का वैकेंसी आया है, क्या वो वैकेंसी सही है। क्योंकि दोस्तों, यूट्यूब में बहुत सारा ऐसा वीडियो है जो प्रोवाइड करा चुका है कि असम राइफल का GD का भर्ती आया है, बोट मैकेनिक का भर्ती आया है, मैकेनिक का भर्ती आया है, वो इसी तरह से कई सारी वैकेंसीज आने का दोस्तों यूट्यूब में वीडियो बहुत सारे शोर के रखा हुआ है। तो दोस्तों, इसीलिए जो भी कैंडिडेट ने उन वीडियोस को देखा है, देखने के बाद दोस्तों मुझे वो लोग कमेंट कर रहा है कि भैया आप लोग एक बार पता करके आप बताइए कि वो वैकेंसी जो है वो सही है कि गलत है, कि वो उस वीडियो वो जो GD का भर्ती आया है, वो जो बोर्ड मैकेनिक का भर्ती है, वो जो मैकेनिक का भर्ती है, क्या वो सही है। कि बहुत सारी कमेंट मुझे आ रहा है, कुछ दिनों से लगातार आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने सोचा उसका पता करो और वो वीडियो सही है कि गलत है और वो वैकेंसी सही है कि गलत है। दोस्तों, मैंने उसका पता किया है दोस्तों, अभी उसके बारे में आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में एक बेल आइकन दिखेगा उसमें प्रेस करके रखना, क्योंकि जब भी इसी टाइप की वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ, जो असम राइफल का भर्ती है दोस्तों, अभी जो वीडियोज वगैरह मिला है वो वीडियो का जो लिंक है मुझे भी कैंडिडेट मुझे भी शेयर कर रहा है दोस्तों, वो वीडियो मैंने भी देखा है, ठीक है। तो दोस्तों, उस वीडियो में बताया जा रहा है कि असम राइफल का GD का भर्ती आया है, बोट रिपेयर मैकेनिक का भर्ती आया है और मैकेनिक का भर्ती आया है दोस्तों, ट्रेडमैन वगैरह की भर्ती आया है। तो दोस्तों, इसी तरह से मुझे भी मैंने भी देखा है दोस्तों। उधर जो आप लोगों को नोटिफिकेशन का जो लिंक प्रोवाइड करा रहा है या जो अप्लाई का लिंक प्रोवाइड करा रहा है दोस्तों, सब फेक है, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बार आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों, जो असम राइफल का जो GD का भर्ती है, ठीक है, असम राइफल का जो GD का भर्ती है वो इस टाइप से दोस्तों डायरेक्ट नहीं निकलता है, ठीक है। मैं आप लोगों को क्लियर बोलना चाहता हूँ, असम राइफल का जो GD का भर्ती है वो डायरेक्ट नहीं आता है, क्योंकि असम राइफल का जो असम राइफल्स ITP CISF BSF ये सब जो CRPF ये सब जो होता है वो पैरामिलिट्री होता है, ठीक है। इसका जो GD का पोस्ट है वो GD का पोस्ट कहाँ निकलता है पता है दोस्तों, जो SSC होता है, SSC के अंडर दोस्तों SSC GD का जो पोस्ट निकलता है ना, SSC वालों ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखा है दोस्तों, पैरामिलिट्री का जितना भी GD का पोस्ट है ना वो SSC के द्वारा निकाला जाता है, GD का जो पोस्ट निकलता है ना वो इसी से निकाला जाता है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों, जो भी GD का पोस्ट है वो अलग से नहीं निकलता है, वो SSC के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, डायरेक्ट ऐसा कोई भी पैरामिलिट्री से नहीं निकलता है, ठीक है, असम राइफल से भी नहीं निकलता है, लेकिन GD का पोस्ट निकलता है, अलग से निकलता है, असम राइफल का भी निकलता है, लेकिन वो जो पोस्ट होता है ना वो दोस्तों GD का पोस्ट ही निकलता है, लेकिन वो स्पोर्ट्स वाला पोस्ट होता है, ठीक है। जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है ना, मान लो बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, ये सब जो खेल होता है उन लोगों का दोस्तों कोटा होता है ना, स्पोर्ट्स का एक कोटा होता है, उस कोटे में भर्ती निकलता है, वो GD का पोस्ट निकलता है। लेकिन दोस्तों, जो जनरल ड्यूटी का जो पोस्ट निकलता है ना इस टाइप का, वो असम राइफल की तरफ से ऐसा नहीं निकलता है, लेकिन जो क्लर्क का पोस्ट है, जो ट्रेडमैन का पोस्ट है, वो सब निकलता है, लेकिन GD का पोस्ट कभी नहीं निकलता है, ठीक है। आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, वही बात। तो दोस्तों, अभी जो पोस्ट है वो फेक पोस्ट है, अभी जो यूट्यूब में आप लोगों को वीडियोस वगैरह मिल रहा है वो फेक है, ठीक है। अभी जो भी लगभग जितना भी अप्लाई वगैरह होता है ना दोस्तों, लगभग ऑनलाइन अप्लाई होता है, ऑफलाइन अप्लाई अभी कुछ नहीं होता है। दो एक पोस्ट ऐसा है जिसके लिए ऑफलाइन भी अप्लाई होता है, लेकिन दोस्तों ज़्यादातर अभी ऑनलाइन अप्लाई ही होता है, ठीक है। और एक बार उधर जो अभी पोस्ट दिखाया जा रहा है दोस्तों, बोट मैकेनिक का असम राइफल में क्या काम दोस्तों, वो ज़्यादातर दोस्तों नेवी में निकलता है, वो नेवी होता है तो वो अच्छा बात है, ठीक है। और GD का इस टाइप से पोस्ट नहीं निकलता है। तो दोस्तों, इसीलिए ये जो पोस्ट है, जो असम राइफल का भर्ती जो आया है अभी, ये फेक अप्लाई है, फेक वीडियो है, ठीक है। जितना भी यूट्यूब में आप लोगों को वीडियोज़ वगैरह मिल रहा है ना दोस्तों, ये फेक है, मैं आप लोगों को इसका सबूत देने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों जो असम राइफल का वेबसाइट है उसमें अभी आप लोगों को ले जाने वाला हूँ, उधर आप लोगों को साफ साफ दिखाने वाला हूँ कि उसके बारे में कोई भी नोटिस आया है, कुछ वैकेंसी के बारे में क्या नोटिस आया, आप लोगों को मैं अभी डिटेल में दिखाने वाला हूं, ठीक है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगे या सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और सपोर्ट जरूर करना मुझे, मैं आप लोगों को हमेशा सपोर्ट करूंगा दोस्तों, जो सही है वो दिखाने की आप लोगों को हमेशा कोशिश करता हूं, क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को ऐसे वेस्ट हो जाए, आपका पैसा ऐसे ही वेस्ट हो जाए, मैं कभी नहीं चाहता, ठीक है। इसीलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को अभी प्रूफ दिखाने वाला हूं, आप लोग पहले प्रूफ देख लीजिए, उसके बाद दोस्तों आप खुद डिसाइड कीजिए कि उसके लिए अप्लाई करना है कि नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, या पोस्ट जो प्रूफ है वो देखने की कोशिश करते हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग अभी आ चुके हैं असम राइफल की ऑफिशियल वेबसाइट भी आप लोग देख सकते हो, ये असम राइफल का है, ठीक है, assamrifle.gov.in ये असम राइफल का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों क्या वो वैकेंसी आया है कि नहीं आया है। तो दोस्तों, हम नीचे स्क्रॉल करते ही दोस्तों ये जो रीड मोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसमें हम लोग
करते हैं क्लिक। ठीक है, क्लिक करने के बाद दोस्तों इस टाइप से आप देख सकते हो दोस्तों, इधर पे कोई भी ऐसा पोस्ट निकालने का कोई भी ऐसा नोटिस नहीं आया है। आप लोग देख सकते हो दोस्तों, खुद ही देख लो, क्योंकि दोस्तों मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन इधर आप लोग गलत नहीं दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो इधर कोई भी ऐसा पोस्ट निकलने का नोटिस नहीं आया है। ठीक है, ये जो भर्ती के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों, वो फेक वीडियो है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को शायद विश्वास हो गया होगा दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और साइड में एक बेल आइकन दिखेगा उसमें प्रेस करके रखना, क्योंकि जब भी इसी टाइप की वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा तो आप लोगों को नोटिस मिल सके। ठीक है, नोटिफिकेशन सॉरी। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।